उसके ख्याल तो ये है कि जहाँ बैठे हैं इस वक्त क्वेटा वैली में, तो यहीं आसपास हमारे इतने पहाड़ हैं और इतनी जगहें हैं देखने वाली, एक्सप्लोर करने वाली, और यहाँ से बाहर जाएं तो बलूचिस्तान भरा पड़ा है। इट्स एन अमेजिंग लैंडस्केप। सिर्फ आदमी थोड़ा सा कुदरत परस्त हो, नेचर लवर हो, और देखना और एक्सप्लोर करने का शौक़ रखता हो, तो यहाँ हर तरफ अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरा, जिस माहौल से हम गुज़रते हैं, जितनी सख्ती यहाँ पर रहती है लोगों पर, उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इन्जॉय करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए भी नेचर इज़ दी बेस्ट एस्केप आई गेस। तो मेरे हिसाब से तो पूरा बलूचिस्तान भरा पड़ा है, चंद बातों में उसको समेटना थोड़ा मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से मेरी लाइफ हिस्ट्री थोड़ी सी ट्रिकी या डिफरेंट भी है, इन द सेंस कि मैं तो मैदानी इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं जाफराबाद में पैदा हुआ हूँ, और मैं लेकिन पढ़ा और बढ़ा जो हूँ वो मस्तूंग और क्वेटा के अराउंड हूँ। कैडेट कॉलेज मस्तूंग से मेरी तालीम हुई है, और कुछ अरसा मुझे क्वेटा में रहना भी पड़ा अपनी तालीम के सिलसिले में, तो मेरा पहाड़ों से इंट्रोडक्शन इसी तरह हुआ। लेकिन फिर कुदरत ने मौका दिया, जब मैं सर्विस में आ गया तो मैं कश्मीर में भी रहा, मैं इस्लामाबाद में भी रहा, मैं खैबर पख्तूनख्वा में भी रहा, और बलूचिस्तान में भी मेरी पोस्टिंग ऐसी ऐसी जगहों पर रही है, सिबी है, आवारान है, और क्वेटा में मेरी पोस्टिंग रही है, इस वक्त है मेरी पोस्टिंग यहाँ, पूरे बलूचिस्तान की एक ज़िम्मेदारी है। तो मुझे तो एक्सपोजर इस तरह से मिलता रहा और मैंने कोई मौका ज़ाया नहीं किया नेचर को एक्सप्लोर करने का। ये मैं देख सकता हूँ कि यहाँ ये शौक़ या ये खेल या ये स्पोर्ट ये उस तरह से शायद प्रमोटेड या प्रोजेक्टेड नहीं है, तो उसकी बहरहाल गुंजाइश है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और सरकारी सतह पे भी और मेरे ख्याल में प्राइवेट या कम्युनिटी लेवल पे भी हमें लोगों को इनक्रेज करना चाहिए और इस तरह की जगहों को थोड़ा सा जितना पब्लिक फ्रेंडली बनाएंगे फिर ये शौक आगे प्रोजेक्ट होगा या प्रमोट होगा। मेरे हिसाब से माउंटेन पीक्स जो हैं वो तो 5-6 बड़ी पीक्स हैं, 3-4 तो क्वेटा वैली में ही हैं। यहाँ सबसे बड़ी जो शुमाल में आपके तकतू है वो ऊंची है, और फिर उसके बाद चिल्तन का नंबर आता है, और तीसरे नंबर पे ये मुर्दार जिसको आप कह रहे हैं, मैं उसको चारशाख कहता हूँ, जो हमारी मशरकी हाइट है, तो ये तकरीबन 10,500 फीट है। तो ये हैं, इसके बाहर हम जैसे थोड़ा सा फैलना शुरू करते हैं तो नॉर्थ में तख्त सुलेमान है, अगेन 11,000 फीट तकरीबन है, और बहुत अच्छा ट्रैक वहाँ पे बना हुआ है अगर लोग उसको एक्सप्लोर करना चाहें। वहाँ एक चिलरोज़े का पूरा जंगल है जिसके दरमियान से पक्का रास्ता बना हुआ है पैदल लोगों के लिए। इसी तरह लोए नेकान है, ये शाबान वैली में, वो बलूचिस्तान की सबसे ऊँची चोटी है जो तकरीबन 12,500 फीट है, तो वहाँ के लिए भी निस्बतन आसान रास्ता या रास्ते मौजूद हैं। इससे बाहर फिर छोटी मोटी चोटियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन आसपास काफ़ी कुछ है, रॉक क्लाइंबिंग की बड़ी ऑप्शंस हैं। मैं समझता हूँ कि एडवेंचर जो है वो टूरिज्म सेक्टर का एक कंपोनेंट है, गो कि ये अहम है और बलूचिस्तान में इसका पोटेंशियल भी है, तो हमें एडवेंचर को लोकली भी प्रमोट करने की ज़रूरत है। लोकल लोग जब ज़्यादा करते हैं तो वो फिर फैलाते हैं। आजकल चूँकि मीन्स भी हैं प्रोजेक्ट करने के, सोशल मीडिया है, दूसरे तरीके हैं, तो आप लोगों को इन्वाइट या इंसाइट उसी तरह करते हैं कि जब आप ख़ुद इसको प्रमोट करते हैं। ये हमारे कल्चर, टूरिज़्म, एडवेंचर पूरे सेक्टर का एक मजमूई मसला है और इसको हमें इसी तरह देखना भी चाहिए। हम ख़ुद जब टूरिज़्म करेंगे, जैसे अब नॉर्थ में हो रहा है, इस वक्त पाकिस्तान के नॉर्थ में काफ़ी टूरिज़्म प्रमोट हो रहा है, लोकल एडवेंचर या लोकल टूरिज़्म जब प्रमोट होता है फिर फॉरनर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फॉरनर्स के लिए फिर हम क्या करते हैं, आप थोड़े से स्पेशल प्रोटोकॉल्स रखते हैं। बलूचिस्तान चूँकि सिक्योरिटी के हवाले से भी कोई अच्छी खबरें बाहर नहीं भेजी जाती हमारे यहाँ, तो उनको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, और अच्छी ख़बरों को या मुस्बत जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन, उसको करने की ज़रूरत है। कुछ टूरिस्ट को या एडवेंचर लवर्स को आसानियाँ देने की ज़रूरत है, ताकि वो अगर उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम देंगे तो वो जो है ना यहाँ पे माइल भी होंगे, और उससे लोकल फिर लोगों को बिज़नेस का मौका भी मिलेगा, क्योंकि बाहर के टूरिस्ट जब आते हैं तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जो है आपकी इकॉनमी में बिज़नेस भी ऐड करते हैं। कोई इसको खाना खिलाएगा, कोई इसको होटल में ठहराएगा, कोई इसको ट्रांसपोर्ट मुहैया करेगा, तो इस तरह के बहुत, कोई इसका टूर गाइड बन जाएगा, इस तरह की जगह। नॉर्दर्न पाकिस्तान जो है, गिलगित बल्तिस्तान, ये पूरा इस पर थ्राइव करता है। खैबर पख्तूनख्वा जो है अपनी कागान नारान वैलीज़ में, चित्राल में, दीर में, इस तरह टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। हमारे पास हिंगोल है, हमारे पास क्वेटा वैली और ज़ियारत है, हमारे पास तख्त सुलेमान है, हमारे पास खुजदार और खीरथर का पहाड़ी सिलसिला है, तो हमारे पास 5-6 जगहें ऐसी हैं, पॉकेट्स हैं, जिनको हम स्पेशली प्रमोट भी कर सकते हैं, जहां हम लोगों को बुला भी सकते हैं, और जहां साइड सिक्योरिटी के खदशात उस तरह के मौजूद भी नहीं है। मैं चूँकि पहाड़ों पे जाता हूं, इस तरफ भी गया हूं, और मैं ये फॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज में लाना चाहता हूं।
मैं वैसे तो उनको इनफॉर्मली इन्फॉर्म करता रहा हूँ, लेकिन शायद ये फॉर्मल एक्शन मांगती हैं चीज़ें। ये जो आपका मगरबी पहाड़ है, इसको पीछे से चोरी चोरी लोग काट रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने ये कमिश्नर क्वेटा को प्रपोज़ किया है कि इसको क्वेटा डेवलपमेंट पैकेज का हिस्सा बनाए, जो हमारा तरक्याती पैकेज सीएम साहब ने अनाउंस किया है ना शहर के लिए, उसमें क्वेटा के 3 अतराफ में कम अज़ कम वॉकिंग ट्रैक्स बन सकते हैं। उसमें ये जबले नूर से लेके हाजी कैंप तक का पहाड़ी सिलसिला भी शामिल है, जो लो हिल है और ये आपको क्वेटा वैली का बहुत अच्छा व्यू ऑफर करता है। तो और जब लोग वहाँ जाना शुरू करेंगे तो इस तरह के अनासर जो आप कह रहे हैं कटाई में या चोरी में या जराइम में भी इवन मुंसलिक है या मुलविस है ना, वो फिर ख़ुद पीछे हटते हैं। जहाँ आम आवाम जाएगी वहाँ इस तरह के एलिमेंट्स फिर उनकी जगह नहीं बचती। और ये मेरा ओपिनियन बलूचिस्तान के सारे वीरानों के बारे में कि जहाँ हम जाएंगे तो चोर को मौका नहीं मिलेगा, और जहाँ हम उसकी वजह से जाना छोड़ देंगे तो मजीद चोर वहाँ जमा हो जाएंगे। ये मेरा एक आम सा एनालिसिस है, कॉमन मैन वाला। तो मैं इसको फॉर्मली रिपोर्ट भी करूँगा, एंड आई अप्रिशिएट कि आपने इस मसले को हाईलाइट किया। इसका तरीका यही है कि जिसको एहसास है वो अगले को एहसास दिलाए। आप किसी का हाथ पकड़ के रोकेंगे अगर वो इस तरह का काम कर रहा है, जो आपके वस से ज़्यादा है आप उसके लिए कहीं किसी फोरम पे रिपोर्ट या FIR या एक्शन या मीडिया के ज़रिए उसको हाईलाइट करेंगे। उसके अलावा ये है कि आप ख़ुद अगर समझ रहे हैं कि गलत लोग आ रहे हैं, आप अच्छे लोगों को प्रमोट करें, आप ख़ुद बुलाएं अपने उनको। हमारे यहाँ तो लोकल होस्टिंग का बड़ा आम सा रिवाज है, हॉस्पिटलिटी है हमारे यहाँ हर तरफ। आप नॉर्थ साउथ बलोचिस्तान में पश्तून हो, बलोच हो, कोई भी कल्चर हो, वहाँ पे हॉस्पिटलिटी एक बड़ा अहम एस्पेक्ट है उनके कल्चर का। तो आप उसके ज़रिए लोगों को अट्रैक्ट करें। फिर सिर्फ क्वेटा वैली में नहीं कहूँगा, क्वेटा वैली के थोड़ा सा पीछे आप जाएँ, मतलब यहाँ से तकातू का पहाड़ क्रॉस करें तो बोस्तान का और ये जो पूरा एरिया है पशीन का, वो भी इस एक्टिविटी में और इस तरह के इरादे में शामिल हो सकते हैं। इसी तरह आप ईस्टर्न साइड पे अगर शाबान की वैली क्रॉस कर लें तो हरनाई का पूरा एक बेल्ट है, हरनाई सबसे ज़्यादा वाटर रिच वैली है, वहाँ इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जा सकता है। छपर रिफ्ट का मकाम है वहाँ पे, परी चश्मा है वहाँ पे, मंजर शोर का एक बड़ा प्यारा खलीफत के दामन में इलाका है, वो प्रमोट हो सकता है। आप साउथ में जाएँ तो इससे बड़ा वर्ल्ड है, एक बोलान पास है आपके पास, मस्तुंग वैली है आपके पास, कलात में और खुजदार में जगहें हैं, नोशकी चागी के डेजर्ट के अंदर जो स्पाइक्स खड़े हैं उनका एक बड़ा एम्बियंस है। पुलचोटों को आप कभी देखें, कोई सुल्तान को कभी आप देखें, ठीक है ना। वेस्ट में आप जाएंगे तो इसी तरह ये गज़ाबंद की वैली है पूरी आपके पास। तो ये सारे जो सराउंडिंग वैलीज़ हैं ना, ये ख़ुद इसमें ऐड कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ख़ुद भी इंजॉय करें, लोगों को नेचर लव बताएं। क्वेटा छोटा सा शहर है, देखें इसमें हम कितने लाखों लोग रहते हैं, तो हम यहाँ तंग आ जाते हैं रह रहे, तो हमें थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, और बाहर वाले इससे थोड़ा सा इसमें हेल्प भी कर सकते हैं, इससे बिज़नेस भी बना सकते हैं, और इससे छोटी छोटी फैसिलिटीज़ बना के लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं ना। इस वक्त आप देखें हम हन्ना और सुरेंज वैली और उड़क के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इसके अलावा क्वेटा की सराउंडिंग में हमें कुछ मिलता ही नहीं है। हम कुछ नए डैम्स बन गए हैं, आप वहाँ पे स्पॉट्स बना दें, डैम को तो कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ सफाई मेंटेन करें और लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी या हॉस्पिटैलिटी आप दे दें तो लोग आपके पास आएंगे।